टुडे विल वी डू क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नीनास एंड द बेबी स्पैरो। रीडिंग इज फन पेज 17। लेसन नंबर नीना एंड द बेबी स्पैरो। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई मीन्स क्यों, व्हाई वाज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के आगे देखो ये पोस्ट ऑफिस एस, इसको पोस्ट ऑफिस एस बोलते हैं, इसका अपना नीना के घर में, ये वाला जब कोमा लग के एस लगता है तो इसका मतलब हो जाता है का के की। नीना के घर में बहुत ज़्यादा खुशी क्यों थी, वाई मीन्स क्यों, ग्रेट जॉय मतलब बहुत ज़्यादा खुशी क्यों थी, क्योंकि नीना के की आंट की मैरिज थी और वे सब वेडिंग के लिए दिल्ली जा रहे थे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है। देयर वॉज ग्रेट जॉय नीनाज हाउस, यहाँ पर बिकॉज लगाना है, नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड एंड ऑल वर गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। ये लाइन आपको काटनी है, ये वाली लाइन। एंड दे वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग, यहाँ पर बिकॉज लगाना है। मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूँगी। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई वॉज नीना वरिड, नीना वरिड क्यों थी, नीना इसलिए वरिड थी, वरिड मीन चिंतित, क्योंकि नीना के जो रूम था उसमें शेल्फ के नीचे टू बेबी स्पैरो थी, इसलिए वो वरिड थी कि अगर मैं दिल्ली चली जाऊँगी तो इन बच्चों को खाना कौन देगा, इसकी मदर स्पैरो जो है वो अंदर कैसे आएगी, इसलिए नीना वरिड थी। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड मदर सजेस्ट, मदर ने क्या सजेस्ट किया। वैसे इसका क्वेश्चन ये भी है, व्हाई वाज नीना वरिड, नीना वाज वरिड बिकॉज नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोन, क्योंकि जो बेबी स्पैरो थी उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। आप ये भी लिख सकते हैं। नंबर थर्ड है क्वेश्चन, व्हाट डिड मदर सजेस्ट, अब मदर ने क्या सजेस्ट किया, मदर ने ये सजेस्ट किया था, मदर सजेस्टेड दैट, हम क्वेश्चन में से बनाएंगे दे वी की जगह, दे विल लीव द विंडो ओपन, दे विल लीव द विंडो ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब वो वेडिंग से वापस आती है तो क्या पाती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि देयर वर टू प्लम्प लिटल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, वो जो छोटे बेबी थे वो इधर उधर उड़ रहे थे, उनको देखकर नीना जो है वो बहुत खुश होती है। नीना ने ये पाया कि जब वो वापस आती है वेडिंग से तो देवर फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। ओके, थैंक यू।